होप सब लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, तुम लोग सोचोगे कि यार ये दो दिन बाद क्यों आई, क्योंकि दो दिन बाद मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने देना था तुम लोगों को सरप्राइज। और आज मैं जा रही हूँ मवेशी मंडी, यानी कि जानवर देखने। और कौन सा जानवर? ईद का जानवर। कौन सी मंडी में जा रही हूँ? इस्लामाबाद मंडी, पिंडी मंडी, जो भी है मंडी 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 मंडी, यानी कि अब हम जा रहे हैं मवेशी मंडी। तो अभी मैं जाऊंगी मवेशी मंडी, मवेशी मंडी में आपको सब कुछ दिखाऊंगी, जानवर दिखाऊंगी, जो जो जानवर वहाँ पर होगा वो सारा कुछ दिखाऊंगी। मुझे कोई दाकार चाहिए, बस मुझे डर लगता है। आज सिर्फ मैं वैसे मवेशी मंडी नहीं गई, लेकिन आज सिर्फ तुम लोगों के लिए जा रही हूँ। तो अभी हम मिलते हैं मवेशी मंडी में। धूप बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं थोड़ी शाम में गई ताकि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मंडी पहुंच गई और यहाँ पर कोई जानवर नहीं है। इतनी दूर आने के बावजूद भी हमें कोई जानवर नहीं मिले, ये सिर्फ दो तीन जानवर मिले। मामा मुझे नहीं खेलना। मतलब क्या इंसान ही नजर आ रहे, जानवर नजर नहीं आ रहे। सरप्राइज, इन जानवरों के पास चलने लगी हूँ अभी मैं। यार कितनी ओह माय गॉड, इतने कम जानवर है। हम लोग आ गए मंडी, पर ऐसी मंडी है जहाँ जानवर ही नहीं है, सिर्फ दो तीन जानवर है। मतलब अजीब कसम से, इतना दूर आने के बावजूद हो रहा, मैं दिल कर रहा है मैं यहीं पर बैठ के ना जानवरों के साथ अपना दुख बांटूं। मतलब यार हद हो गई है, कहीं भी जानवर नहीं थे मंडी में। तो माई 14 आ गए और वहाँ पर भी जो है मंडी नहीं लगी हुई, बिल्कुल भी जानवर नहीं है। सो ये दो तीन जानवर हैं, इनसे हेलो हाई कर लेती हूँ, अगर ये मुझे मारे ना। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? हेलो, मतलब अब ये देखिए पता नहीं कौन सा जानवर है, और ना ये मुझे काट ना जाए। और ये मुझे काट जाएगा भाई, यहीं खड़ा रहे। और ये मुझे काट जाएगा, ये मुझे काट जाएंगे, ये मुझे काटेंगे भाई। इसके कितने रहते हैं? दो साल तक। किसकी है? ये खुद देखने के लिए आए हैं, मतलब पता ही नहीं है इनका मालिक कौन सा है। सो मैं इनसे हेलो हाई कर लेती हूँ एक बार। हेलो हेलो हेलो, वो नाराज है शायद, उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा। अब ये हम आगे जाने वाले हैं। मैं तो पागल हो गई हूँ यार, कसम से इतना सफर के बावजूद कोई जानवर ही नहीं मिला, मतलब जो मिले हैं वो भी नहीं मिले। अल्लाह ये मुझे काटेंगे, मैं नहीं जानती मामा, ये मुझे काट जाएंगे। मैंने नहीं खेलना है, खेल बहुत गंदा है। मतलब यार जानवर ही नहीं है, लोग खुद आ रहे हैं और देख रहे हैं। सिर्फ कुछ जानवर है, इसको ऊंचा कर लेते हैं कि ये कैसा जानवर है। इधर कौन है? इधर भी कोई नहीं है यार, मालिक ही नहीं खड़े हुए जानवरों को, यानी कि जानवर ऐसे खोल के खड़े हुए हैं यार। मतलब हद हो गई है। इसका रेट बता दो भाई यार, पूछना मुझे इससे कितने का इसका क्या यार, इस वाले का, इस वाले मंडी पहुंच गए हैं और यहाँ पर बंदा ही नहीं है। मतलब जानवरों के बंदे ही नहीं खड़े हुए, जानवरों के बंदे ही नहीं, मतलब जानवरों के मालिक ही नहीं खड़े हुए। सॉरी, मेरे सफर कर करके मैं पागल हो गई, और मेरी हालत तुम लोग देख सकते हो कि इस वक्त कितनी बिगड़ की समझती हालत ही तुम लोग जानवर देख सकते। बहुत बुरी हालत है मेरी, यही ऐसा लग रहा है जैसे बलग बनी हुई हूँ मैं। दो लाख का ये वाला है, कहना तुम 2 लाख के हो। मतलब मैं तुम लोगों को अपनी हालत इस वक्त नहीं दिखाने वाली, क्योंकि मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ, इंतहाई गंदी, क्योंकि मैं सफर से पागल हो गई हूँ। और ये 2 लाख का जानवर है यार, ये जानवर है, ये 2 लाख का या क्या है? मतलब क्या है यार, तुम लोग जानवर भेज रहे हो या क्या, मकान भेज रहे हो? यहाँ पर तो बकरे नजर ही नहीं आ रहे, लगता है बकरों की शॉर्टेज हो गई। देखो वो, देखो वो बड़े मजे से खा रहे हैं। ये कितने का है? ये कितने का है? 1.5 लाख का। छोटा सा ही, मुन्नू सा 1.5 लाख का। मतलब डिफरेंट रेट्स है। आई गंदी, इन लोगों ने गंदियों ने पोटी की हुई है यार, मतलब इनके पोटी का कोई निजाम ही नहीं है। सारी मंडी खाली हुई है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, एवं खाम खा आई 14 आई, वो भी जानवर लगे हुए हैं।
उधर जाते हैं। बाइक ले ले। बाइक भी जाएंगे? नहीं पैदल ठीक है यार। जाएगी इतनी दूर है? नहीं इतनी दूर यार। यार वहाँ चलते हैं ना। मैं तुम लोगों को दिखा दूँगा इसको भी। भाई का किला नहीं ना इधर वो जो उधर चलते हैं। वहाँ चलते हैं। गंदों ने पोटी की हुई है और मुझे इतना अजीब लगता है। मैं ऐसे कभी चल के आई नहीं जानवर। अच्छा मैं कभी मवेशी मंडी में नहीं आई, फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ और मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा है ना, क्योंकि मुझे इन जानवरों से बहुत डर लगता है। जैसा लगता है ये अभी आएंगे और मुझे हिट करके चले जाएंगे। अब हम जाते हैं उधर देखते हैं। वैसे वहाँ पर भी जानवर लगे हुए हैं लेकिन हम इन तीन जानवरों को देख लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत कम जानवर। ओह माय गॉड वट अ जानवर। हेलो भाई कौन है यहाँ पे? हेलो कैसे हो तुम? यार ये मेरे ख्याल से खफा लग रहा है, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के से भाग गई है, इस वजह से खफा लग रहा है। तो ओह माय गॉड 5.5 लाख का है ये, मुल्तान से आया और 5.5 लाख का ये जानवर है। देख गॉड यार ये जानवर दे रहे हैं क्या दे रहे हैं? 5.5 लाख 5.5 लाख का ये जानवर और 5.5 लाख का वो जानवर। ये जानवर है क्या? घर है क्या? मतलब क्यों इतने महंगे तुम लोग जानवर दे रहे हो? जानिमो अब मैं मौका भी देखाती हूँ, घर रुक कर आते हैं, देखाते हैं भाई कितने का। ये जोड़ी लग रही है, लग रहा है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। नहीं लगता है ये ना इसकी बीवी है। क्या बता शादी होगी? हो नहीं हुई, यानी कि दोनों की शादी नहीं हुई। मेल फीमेल? हेलो तुम मेल फीमेल हो? हेलो तुम मेल फीमेल हो? ये भी नाराज लग रहे है। तुम्हें क्या हुआ है? नाराज हो? इतना बड़ा मुंह क्यों है? इतना बड़ा मुंह क्यों है तुम्हारा? है इसका बहुत बड़ा मुंह है, मतलब बहुत फन लग रहा है। ये सब भी जानवर देखने आए हो तुम? कौन सा देखे अभी? सारे ही देख चुके हैं। सारे देख चुके हैं? कोई भी अच्छा नहीं लगा? सारे लोग सारे जानवर देख चुके हैं और मैं अभी जा रही हूँ और जानवर देखिए। मतलब यहाँ पर इतनी खुला सा मैदान है लेकिन इतनी मंडी नहीं लगती, पता नहीं सारे जानवर किधर चले गए हैं। अब इन तीनों को देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल भी जानवर नहीं। मेरे प्रीटी फ्लॉलेस सर्च कर लेना। मतलब देखिए मेरे फ्रेंड्स भी आ गए मेरे व्लॉग का नाम पूछने। इसके कान में पीला पीला हो रहा है। फिलहाल से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इससे ना इसका पता करते हैं। भाई कितने लंबा है? 3.5। 3.5 का कितने दांत है? दो दो लाख का ही ये तो। रेट है? 1.80। क्या रेट? इसकी शेमी हो रही है। 2.5 2.80 1.80 1.80 3.5 2.80 1.80 यानी कि बहुत। कहाँ से आए? खानेवाल से आए। हेलो हाय हाय।
यहाँ पर गाइस मेरे फ़ैन भी है बहुत ज़्यादा, और उनसे मेरे ब्लॉग का नाम भी पूछ रहे थे। सो अभी मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, और अभी हम घूम ही जा रहे हैं। और जानवर नहीं है वहाँ पर, जानवर है वहाँ पर, उस मंडी पर हमें जाना चाहिए। अभी हम दोबारा से उस मंडी पर जा रहे हैं। यार मैं बाइक पे नहीं जाती, मैं थक गई हूँ। कोई बात नहीं ना, नहीं ना, मुझसे बाइक पे नहीं जाया जाएगा। दूर है ना कवर। यार गाइस अभी हमें बाइक पे जाना है, और मुझसे बाइक पे मजीद नहीं बैठा जा रहा, बिकॉज मैं इतना सफ़र करके पागल होकर आई हुई हूँ। मेरी हालत भी ऐसी नहीं कि मैं तुम लोगों को अपनी हालत दिखा सकूँ इस टाइम पर, ये कि मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ सारे जानवर। अब गाइस जी यहाँ पर हम आ गए हैं दूसरी मंडी पे, पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ जानवर है, बकरी वो नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ बकरे नजर आ गए, फाइनली आई फाउंड बकरे। मुझे जानवर चाहिए। तो यहाँ पर तो बहुत तकड़े तकड़े जानवर हैं, लेकिन कोई इंसान मुझे जानवर चाहिए, कुर्बानी के लिए चाहिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर लगे हुए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा जानवर लगे हैं। मुझे ब्लॉग बनाते हुए थोड़ी सी फेम हो रही है, क्योंकि यार ब्लॉग बनाते हुए थोड़ा सा ट्राई फील कर रही हूँ, बिकॉज इतने ज़्यादा बंदे भी हैं, जानवरों के साथ इंसान भी है। बट कोई नहीं, सब लगे हैं। और मैं यहाँ पर देखने लगी जानवर, पता नहीं कितना ज़्यादा है यार यहाँ पर, पता नहीं मवेशी मंडी कितना गंदे होते हैं। बकरे कितना प्यारा है, ओ ये कितना क्यूट है। हेलो हेलो, तुम कितने क्यूट हो, हेलो तुम कितने क्यूट हो, हेलो ये कितना। यार यहाँ पर कोई आई नहीं, लेकिन ये कितना क्यूट सा है ना, वाइट सा क्यूट सा बकरा है। हाँ वो भी हैं बकरे, यहाँ बकरे देख लेते हैं कि कौन कौन से बकरे हैं और क्या क्या इनके रेट्स हैं, चेक कर लेते हैं। हमने बकरे चेक करने के कौन कौन से और क्या क्या हैं, मैं चेक कर लेती हूँ पर रेट नहीं। ये तो काटने वाला हो गया, लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा मैं तुम लोगों को थोड़ी सी अपनी शक्ल दिखा दूँ कि मैं कितनी कितनी गंदी लग रही हूँ, लेकिन कोई नहीं है, रेट्स होकर तुम लोग गुजारा करो। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ सारे बकरे, और यहाँ पर मेरी बहन और भाई दोनों साथ आए। ये मुझे काटेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे अभी काट देगा, और मुश्किल होता है थोड़ा सा मवेशी मंडी आना, बट ये कि मैं थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग चल रही चल रही चल रही, बड़े वाला 1,20,000 और छोटे वाला 80,000। तो इसका है 20। हाँ 20 बड़े वाला। कितने क्यूट है तू, नहीं ये ज़्यादा क्यूट है तुमसे। ये कितने का रेट बता रहे, ये 80 में जितने जी 80 में, तो बड़े वाला ना ये 1,20 का, ये 1,20 का, ये इसमें है क्या बकरे, देख कितना हो रहा है। जो हम ही जाते थे, चलो आगे हम लोग चल लेते हैं थोड़ा सा। नहीं मुझे कार चाहिए। हेलो कितने प्यारे हो तुम, बैल मुझे कार चाहिए। यहाँ पर कोई भी नहीं, लेकिन ये बैल बहुत क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे। आप कितने दंद है, 14 हो यार, 14 कौन से आए डेरा गाजी खान से आए, और 2,50,000 इसका बता रहे हैं, 2,50,000 इसका बता रहे हैं डेरा गाजी खान से आए। 7,00,000 जोड़ी, तुम कितना बोल रहे हैं, कितना ज्यादा बोल रहे हैं। ये 2,50,000 है, तुम 2,50,000 है, तुम्हारी कीमत 2,50,000। यार ये कितना ज्यादा बोल रहे हैं, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, मिल जाएगा तुम लोगों को खाना, बकरों बकरों की नस्लों। मतलब यार कितना फनी लग रहा है ना यहाँ पर मुझे आके, क्या वाह
इसका रेट पता करने लगे हैं कि इसका रेट क्या है। ये कितने लाख का? 9 लाख। 9 लाख का है ये चौका। चौका वो क्या होता है जिसके जिसके ना 4 दांत होते हैं, वो होता है चौका। माय गॉड, 9 लाख का यार, तुम 9 लाख के बिक रहे हो तुम। ओ, इसकी शेमी भी हो रही है। कौन सा वो कितने प्यारे प्यारे से बड़े बड़े से है ना, जितने ऊन जितने जानवर हैं यहाँ पर, हम लोग देख लेते हैं इनको, नहीं तो ये मुझे ही खा जाएंगे। जैसे इनकी शक्लें लग रही है ना, मुझे खा जाएंगे। 9 लाख के यार बैल दे रहे हैं, बकरा 80,000 का दे रहे हैं यार, मतलब हद नहीं होगी। आवाम के रश के साथ साथ बैलों के रश। चलो क्योंकि यहाँ पे सारे बहुत हाई अप बकरे हैं, वो भी बहुत अप है, अजीब से रेट है यहाँ पर। इतने खास रेट नहीं है, इससे हमें यहाँ पर बिल्कुल भी रेट पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब से रेट है, कोई इतने खास रेट के नहीं है। और ये मवेशी बैग में, ये मवेशी मंडी और दूसरे फोन बैग में मेरे, ये मवेशी मंडी कम और मुझे महंगी मंडी ज़्यादा लग रही है। लेकिन कोई नहीं, अब हम जा रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी टाइम हो चुके हैं और सुबह मुझे जॉब पे भी जाना है और हम काफ़ी टाइम से इस मंडी पे आए हुए हैं। ये मवेशी मंडी कम और महंगी मंडी मुझे ज़्यादा लग रही है। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, एक बैल जो है वो 9 लाख का। सो अब हम चलते हैं वापसी घर की तरफ, और ये मैं घर की तरफ बस। हम लोग ने जो है मंडी में जानवर देख लिए हैं, जो जो हमें देखने थे, बट इनके इतने हाई रेट है कि बस की बात नहीं है। तो हम दूसरी मंडी में जाएंगे और वहाँ देखेंगे वहाँ क्या रेट्स है, बट यहाँ पर बहुत हाई रेट है। देखो ये कितने क्यूट से सारे खड़े हुए हैं, लगते हैं मेरे ख्याल से इन सबकी आपस में फ्रेंडशिप है, तभी ये इतने साथ साथ खड़े ना अभी तरह। लेकिन अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अभी हम देखते हैं कि यहाँ से रास्ता कहाँ से जाता है। बच्चे यहाँ पर कैसे आ जाते हैं, मतलब बच्चे छोटे छोटे वो भी आए हैं, वहाँ से इंटर हुए थे ना, पता नहीं क्यों रास्ता। सो गाइस फाइनली हम लोग इतनी दूर गए थे, मेरी तो बैंड बज गई और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। शुक्र हम वापस आ गए, कसम से आते सारी मैंने अबाई जबाया उतारा और अब मैं लेट गई। बस इतनी थक गई थी बाइक पे बैठ के, ऊपर से जानवर भी मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे। पता नहीं क्यों इस बार मंडी इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई थी। हम लोग एक तो आखिरी कोने में गए इस्लामाबाद के और ऊपर से जानवर देखे तो इतने थोड़े से, और उनके रेट आप लोग देख सकते हो, मैंने ब्लॉग में बताया कितने महंगे थे। 9 लाख यार, पता नहीं जानवर भेज रहे हैं क्या भेज रहे हैं, पता नहीं उनमें हीरे मोती घुसाए हुए या पता नहीं डायमंड लगा हुआ है। लेकिन कोई नहीं, खैर आज का मैं ब्लॉग इतना ही था। आप सोचते तुम लोगों को पसंद आया होगा, तुम लोगों ने रेट्स देख लिए होंगे, अब तुम लोग भी जाओ मंडी आखिरी डेट्स पर जाना। अभी मुझे नहीं लगता कि जानवर आए हुए, जैसे अभी मैं खबा रही हूँ आज तुम लोग भी हो सकते हो। सो आखिरी डेट में जाना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। माई यूट्यूब फैमिली टाटा बाय बाय, और मेरा ये पूरा ब्लॉग देख लेना। अब मैं होने लगी हूँ टोन, मुझे आ रही है नींद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।